अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है स्वाध्याय की इस श्रृंखला के 16वें भाग में, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। गत भाग में हमने अध्ययन किया था कि स्थूल शरीर की समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य, विश्व और वैश्वानर, इन दोनों में अभेद हैं और किस प्रकार से वस्तु में अवस्तु के आरोप से जो अध्यारोप हैं वह होता है। तो उसी तरह से जो ब्रह्म है वह नित्य सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म है, वह वस्तु है और उस ब्रह्म रूप वस्तु में अज्ञानादि अवस्तु का आरोप होता है, जिसके कारण जो ब्रह्म में जगत नहीं है फिर भी उस ब्रह्म में यह जगत प्रतीत होता है। आज इस स्वाध्याय के 16वें भाग में हम इसी अध्यारोप की कड़ी में आगे किस प्रकार से यह जो अनात्मा शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अज्ञान आदि अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है, तो इसका हम वर्णन पढ़ेंगे इस भाग में। और साथ में आत्मा के स्वरूप के विषय में वेदांत सार में दर्शित जो अलग अलग 9 मत बताए गए हैं, कोई पुत्र को आत्मा मानता है, कोई शरीर को, तो आत्मा के स्वरूप के विषय में विभिन्न दार्शनिकों के मतभेदों की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे इस हमारे स्वाध्याय के 16वें भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। तो यह पहले बताया जा चुका है कि वेदांत विद्या का अधिकारी पुरुष संसार रूप अग्नि से संतप्त होकर किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाता है और गुरु उसको अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा उपदेश देता है। तो जब वह अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा गुरु शिष्य को जीव और ब्रह्म के ऐक्य का उपदेश देता है, तब पहले गुरु उसको सामान्य रूप से अध्यारोप की शिक्षा देता है कि ये जो सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म है यही सत्य वस्तु है और अज्ञान के द्वारा ईश्वर जीव जगत उसमें कल्पित प्रतीत होते हैं। अब इस प्रकार से जब शिष्य को सामान्य रूप से अध्यारोप का ज्ञान हो जाता है, तब उसको विशेष रूप से अध्यारोप का ज्ञान करवाता है गुरु। तो गुरु इस प्रकार से वहाँ कहता है कि भई ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में कल्पित यह जो जगत है, इस जगत में इस अध्यारोप के कारण यह जो जगत में भटकता हुआ मनुष्य केवल ब्रह्म को नहीं जानता है, ऐसी ही बात नहीं, अपितु वह अपने जीवात्म स्वरूप को भी नहीं जान पाता है इस अध्यारोप के कारण। और वह ये जो जीवात्मा है यह नाना प्रकार के अनात्म पदार्थों में आत्मा का आरोप कर उन आरोपों के पीछे यह भटकता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ जो उदाहरण लिया है वह अत्यंत अति प्राकृत मनुष्य का लिया है आत्मा के विषय में कि वह किसको आत्मा मानता है। तो यहाँ अति प्राकृत जन, अति प्राकृत का यहाँ अर्थ है कि अत्यंत ऐसा मनुष्य है जो जिसने वो त्रिगुणात्मक अविद्या रूप जो प्रकृति है उस प्रकृति से उत्पन्न जगत में वह अत्यंत मोह से ग्रस्त हैं, इस जगत में अत्यंत लिप्त हैं। उसने केवल इतना सुन रखा है कि वेद का कहना है कि मनुष्य की अपनी जो आत्मा है वह पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए जब तक पुत्र पैदा नहीं होता है तब तक वह अपने को भाग्यहीन समझता है, अपने को दुखी समझता है और सोचता है कि जैसे ही पुत्र नहीं होगा तो मेरा शरीर है वह निष्प्राण की तरह समाप्त हो जाएगा। ऐसा जो मनुष्य है उसकी आत्मा के विषय में क्या सोच रहती है उसका यहाँ वर्णन करते हुए ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि इदानीम प्रत्यगात्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयतीति विशेषतः उच्यते, कि यहाँ से यह जो प्रत्यगात्मा है, यह प्रत्यगात्मा का अर्थ है यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा में मनुष्य इस वस्तु का आरोप करता है, यह मनुष्य इस वस्तु का आरोप करता है, इस प्रकार से विशेष रूप से अध्यारोप का यहाँ प्रतिपादन करना है।
जैसे अति प्राकृतस्तु, जो अत्यंत प्राकृत बुद्धि वाला मनुष्य है, अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला, संसार के विषय भोगों में लिप्त जो मनुष्य है, वह क्या सोचता है? आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि श्रुते है कि जो आत्मा है, हमारी आत्मा है, वही यानी मनुष्य की आत्मा है, वही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। इस प्रकार का जो श्रुति वचन है वो उसने केवल आपाततः सुन रखा है, कहीं पढ़ रखा है। तो इस श्रुति वाक्य के द्वारा वह स्वस्मिन्निव पुत्रेपि प्रेम दर्शना, जैसे व्यक्ति का, किसी मनुष्य का स्वयं के प्रति उसका प्रेम होता है, वैसा अथवा उससे भी अधिक पुत्र हैं, उससे भी अधिक पुत्र के प्रति उसका प्रेम देखा जाता है। तो पुत्रेपि प्रेम दर्शनात् और पुत्रे नष्टे च अहमेव नष्टः, पुत्रे पुष्टे च अहमेव पुष्टः, इस प्रकार का उसका, उस व्यक्ति का अति प्राकृत वस्तु का अनुभव भी होता है कि पुत्र के पुष्ट होने पर अथवा नष्ट होने पर वह अपने को ही पुष्ट अथवा नष्ट हुआ अनुभव करता हुआ वह क्या कहता है? पुत्र आत्मा इति वदति, ये जो पुत्र है यह पुत्र ही आत्मा है, यह उसका अति प्राकृत मनुष्य का कहना होता है। तो इस प्रकार से यह जो अति प्राकृत मनुष्य है वह पुत्र को आत्मा मानता है। अब हम यहाँ जो आत्मा के विषय में ये विभिन्न दर्शनों के जो मत पढ़ेंगे उसमें हम ये कह सकते हैं कि देखो, इसमें एक उस श्रुति का भी प्रमाण दिया है, एक तर्क यानी युक्ति का भी इसमें प्रमाण दिया है, और दूसरा अनुभव भी उसमें प्रमाण है। यानी ये प्रत्येक मनुष्य हैं, प्रत्येक दार्शनिक हैं, वह अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने तर्क के आधार पर, और जहाँ उनके अनुकूल कोई श्रुति वाक्य हैं उस श्रुति वाक्य के अनुकूल वह अपने अपने मत, अपना जो मत है वह आत्मा के विषय में यहाँ प्रतिपादित करते हैं। तो अति प्राकृत है उसने श्रुति, ये जो आत्मा वही जायते पुत्र है, इस श्रुति वाक्यों को आधार बनाकर, और स्वस्मिन् इव पुत्रे भी प्रेम दर्शना, जैसा स्वयं में प्रेम होता है वैसा का वैसा पुत्र के प्रति भी मनुष्य का प्रेम होता है, इस तर्क का आश्रय लेकर, और फिर स्वयं अगर पुत्र अगर नष्ट होता है तो यानी पुत्र दुखी होता है तो स्वयं दुख का अनुभव करता है, पुत्र अगर सुखी है तो स्वयं भी सुख का अनुभव करता है, इस अनुभव रूप प्रमाण के आधार पर उसने क्या निश्चय किया कि नहीं, ये जो पुत्र है ये पुत्र ही आत्मा है। यद्यपि आत्मा है वह कोई अलग ही है, पुत्र और इस पुत्र से अलग ही है, फिर भी वह क्या आरोप उसने कर लिया कि यह जो पुत्र है यह पुत्र ही आत्मा है। यह अत्यंत प्राकृत बुद्धि वाले मनुष्य की आत्मा के विषय में सोच ऐसी होती है। अब हम द्वितीय क्रम पर जो चार्वाक दर्शन है उनके अलग अलग प्रकार के जो मत हैं आत्मा के विषय में उनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। तो यहाँ चार्वाक के मत के विषय में कहते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि चार्वाकस्तु, कि चार्वाक दर्शन वाले क्या कहते हैं? सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः, ये कहा यहाँ, ये श्रुति वाक्य उसने उदाहरण के रूप में कहा कि सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, कि यह जो चार्वाक तो यह कहता है कि ये जो प्रत्यक्ष दृश्यमान जो स्थूल शरीर है यह स्थूल शरीर ही आत्मा है, क्योंकि वेद में क्या लिखा है कि सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः, कि ये अन्न के रस से यह जो शरीर बनता है, यह जो शरीर है यह शरीर ही आत्मा है, इत्यादि श्रुते है। तो यह तो श्रुति श्रुति प्रमाण हो गया। और दूसरा कारण यह है कि प्रदीप्त ग्रहात स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात्, ये जो अत्यंत प्राकृत बुद्धि वाला तो पुत्र को आत्मा मानता था, किंतु यहाँ कहा कि पुत्र से भी ज्यादा प्रिय हमें हम हमें हमारा जो स्वयं का स्वरूप है वही प्रिय होता है, क्योंकि प्रदीप्त ग्रहात, क्योंकि अगर जब कभी भी घर में आग लग जाती है, पूरा घर जलने लगता है, तब ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने पुत्र को भी छोड़कर घर से पहले स्वयं बाहर निकलता है। इसलिए अगर वह पुत्र अगर उसको अत्यधिक प्रिय होता तो वह पुत्र को पहले निकालता, स्वयं नहीं निकलता, किंतु उस अग्नि से बचने के लिए वो पहले स्वयं को, पुत्र को भी छोड़कर स्वयं घर से बाहर निकल जाता है। इसका अर्थ हुआ कि नहीं, ये स्वयं यानी अपने शरीर को बाहर निकालता है। तो ये जो शरीर है यह शरीर आत्मा है, यह उसका तर्क हुआ। अब उसका अनुभव भी है, अनुभव क्या है? तो कहा अहम कृशः
अहम इत्यादि अनुभवाच है ना, स्थूलो अहम, अहम स्थूलो, अहम कृशो अहम इत्यादि अनुभवाच, और उसका अपना अनुभव भी है। ये तीसरा कारण हुआ कि शरीर के पुष्ट होने पर मनुष्य क्या कहता है, मैं पुष्ट हूँ। शरीर के कृश यानी दुर्बल होने पर वह क्या कहता है कि मैं दुर्बल हूँ, अहम दुर्बल, अहम कृश, अहम कृश। तो ये जो अहम पद से वह दुर्बल और पुष्ट होना, दुर्बल होना, ये सब के सब जो धर्म है यह स्थूल शरीर के हैं। तो वह यह कहता है, ये स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। यह जो चार्वाक दर्शन वाला है यह स्थूल शरीर को आत्मा मानता है। अब चार्वाक दर्शन के यहाँ और भी कई अलग अलग मत हैं आत्मा के विषय में। सबसे पहला मत तो यह हो गया स्थूल शरीर को आत्मा मानने का। दूसरा जो मत है वह चार्वाक दर्शन में वो जो है इंद्रियों को आत्मा मानता है, और उसमें भी वह श्रुति प्रमाण भी देता है, तर्क भी देता है, और अपना अनुभव प्रमाण भी प्रदर्शित करता है। क्या कहता है वहाँ तर्क को आत्मा मानते हुए, अपरश्चार्वाकः, कोई दूसरा जो चार्वाक है वह क्या कहता है, तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरं एत्य ऊचुः, कि यह जो प्राण है, यहाँ प्राण शब्द से हम इंद्रियों का ग्रहण करेंगे, तो तेह प्राणाः यानी ये जो इंद्रिया है, यह इंद्रिया प्रजापतिं पितरं एत्य ऊचुः, अपना जो प्रजापति है, अपने को इन इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला जो प्रजापति है, उस प्रजापति के पास में जाकर ऊचुः यानी कही, कहा, क्या कहा, ये श्रुति वाक्य है। तो वहाँ चांदोग्योपनिषद में यह एक कथा आती है इसके विषय में, तो वो विस्तार से है, लंबी है, तो हम उसका यहाँ वर्णन नहीं करते हैं। केवल उसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि ये जो इन इंद्रियों में परस्पर इस प्रकार का विवाद होने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, इस प्रकार से, तो फिर प्रजापति हैं इन इंद्रियों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इनको कोई एक कार्य देते हैं कि अगर आप कार्य पूर्ण कर लेंगे तो आप श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो उसमें जो प्राण है वह श्रेष्ठ होता है इंद्रियों से। तो यहाँ उस श्रुति संदर्भ का यहाँ ग्रंथकार ने उद्धरण लेते हुए चार्वाक मत को यहाँ प्रदर्शित किया है। और दूसरा ये तो हो गई श्रुति प्रमाण, अब यहाँ तर्क प्रमाण भी चार्वाक दर्शन वाला प्रस्तुत करता है। क्या तर्क है इंद्रियों को आत्मा मानने में, तो वह ये कहता है कि इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात्। देखो, अगर इंद्रिय शरीर में इंद्रिया नहीं है तो शरीर भी नहीं चल सकता है। शरीर नहीं चल सकता यानी शरीर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, वह शव की तरह पड़ा रहेगा। अगर शरीर में ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं है, अंतःकरण नहीं है यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, तो शरीर एकदम निश्चेष्ट पड़ा रहेगा, कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, कोई भी प्रवृत्ति इस शरीर में नहीं होगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि नहीं, शरीर से भी प्रधान कौन है, इंद्रिया प्रधान है, क्योंकि इंद्रिया होगी तो सब कुछ है, इंद्रिया अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए यह एक उनका तर्क है, इसलिए ये जो इंद्रिया है इनको आत्मा समझना चाहिए, ये उनका तर्क हुआ। अब इसमें अनुभव भी वो बता देते हैं कि श्रुति प्रमाण तो बता दिया, तर्क यानी युक्ति भी बता दी, अब अनुभव भी बता रहे हैं। अनुभव क्या है, तो कहा काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच, है ना, अहम काण, अहम बधिर, ये तो काणत्व कि एक आँख से नहीं देख पा रहे हैं, बधिर यानी सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये काणत्व, बधिरत्व, मूकत्व, जाड्यत्व, ये सभी किसके धर्म हैं, ये सभी इंद्रियों के धर्म हैं। इसलिए इस अनुभव के आधार पर इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। वह चार्वाक वाला क्या कहता है कि नहीं, प्राण है यानी शरीर है, वह स्थूल शरीर है, वह आत्मा नहीं है, तो क्या आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, यह उसका मत हुआ। तो अति प्राचीन काल में चार्वाक मत के नाम से अनेक मत प्रसिद्ध हैं। उनमें से चार्वाक के नाम से चार मतों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। तो पहला मत हम पढ़ें कि चार्वाक का जो मत है कि ये जो स्थूल शरीर है यह आत्मा है। दूसरा मत पढ़ा कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है अपितु इंद्रिय है वह आत्मा है। अब इसके बाद में अब हम चार्वाक का तीसरा मत पढ़ रहे हैं जिसमें प्राण को आत्मा बताया गया है।
तो ये जो प्राणात्मवाद के दूसरे आधार के रूप में ग्रंथकार ने यहाँ जो युक्ति प्रदर्शित की है, जो श्रुति प्रदर्शित की है और जो अनुभव प्रदर्शित किया है, उसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ चार्वाक मत में तीसरा मत यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि अपरस चार्वाक, और कोई दूसरे चार्वाक वाले क्या कहते हैं, अन्योन्यत्र आत्मा आत्मा प्राणमयः। ये जो वाक्य हैं, ये श्रुति में जो वाक्य कहा गया है, तो वहाँ कि अन्यः अन्यतर आत्मा प्राणमयः, यह जो शरीर और इंद्रिय इनसे अंतर, इनसे भिन्न जो आत्मा है, वह आत्मा क्या है, तो कहा वह आत्मा प्राणमय है, क्योंकि अन्न रसमय शरीर से भिन्न उनकी अपेक्षा और अंदर रहने वाला अभ्यंतरवर्ती जो प्राण है, वह प्राण को ही यहाँ चार्वाक वाला कहते हैं कि वह पुरुष यानी आत्मा है, इत्यादि श्रुति ही। तो उपनिषद की इस उक्ति को ग्रंथकार ने चार्वाक दर्शन का जो प्राणात्मवाद है उसको यहाँ आधार बनाया है। अब प्राणात्वाद में, प्राणात्मवाद के जो दूसरा आधार के रूप में ग्रंथकार ने यहाँ तर्क जो प्रस्तुत किया है वह है कि प्राणाभावे इंद्रियादि चलना योगाद, कि प्राण इति प्राण के अभाव में इंद्रिय इत्यादि जो साधन हैं, उन इंद्रिय इत्यादि के चलन अयोगात, इंद्रिय अपने अपने कार्य, इंद्रिय अपने अपने कार्य को नहीं कर सकती हैं, अपने अपने कार्य को करने में अयोग्य हो जाती हैं, यह यहाँ तर्क दिया है। क्योंकि शरीर में जब तक प्राण रहता है तभी तक इंद्रियां हैं वह गति सहित होती हैं, जैसे जब तक जब शरीर में प्राण नहीं रहता है तब इंद्रियां भी गतिहीन हो जाती हैं, शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि शरीर के भीतर गतिमान होने वाला प्राण ही है, क्योंकि यदि इंद्रियां आत्मा होती तो अथवा शरीर आत्मा होता तो उनमें गति के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के सहयोग से ही अन्य को गतियाँ प्राप्त होती है, और जो स्वयं गतिमान होने के लिए अन्य की और उसे उस आत्मा को स्वयं गतिमान होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वयं ही सहज सामर्थ्य से अपने स्वयं भी गतिमान रहता है और सबको गतिमान बनाता है। यह जो चार्वाक मत का जो तीसरा मत है, प्राणात्मवाद, प्राणों को आत्मा मानने वाला, उसमें तर्क दिया। अब उसमें अनुभव क्या बता रहे हैं, तो अनुभव भी बताया कि अहम अशनायावान पिपासावान इत्याद्यनुभवाच्छ। तो ये प्राणात्मवाद के तीसरे आधार के रूप में ग्रंथकार ने जो भूख और प्यास का अनुभव है उसका यहाँ उल्लेख किया है। आशय यह है कि भूख प्यास आदि हैं ये प्राण की दुर्बलता है। भूख प्यास लगने पर समय से यदि अन्न और जल अगर नहीं मिलता है तो मनुष्य के प्राण है वो दुर्बल हो जाते हैं, और फिर चलना फिरना उठना बैठना बोलना ये सब धीरे 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 कठिन हो जाता है। किंतु मनुष्य अपने प्राण को भूखा प्यासा न मानकर, यानी आप आत्मा को ही भूखा प्यासा वह मानने लगता है और कहने लगता है कि अहम अशनायावान पिपासावान, कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूख प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी कुछ खिलाओ पिलाओ। तो इस प्रकार के अनुभव के आधार पर चार्वाक का यह कहना है कि भूख प्यास से पीड़ित होने वाला जो प्राण है, वस्तुतः जो शरीर और इंद्रियों के भी अभ्यंतरवर्ती हैं, ऐसा जो प्राण है वह आत्मा है। तो यह आत्मा के विषय में इस ग्रंथ में प्रदर्शित चौथा मत हुआ, और उसमें चार्वाक दर्शन का यह तृतीय मत है। अब चार्वाक दर्शन का जो चतुर्थ मत है उसको भी हम यहाँ देखते हैं, वह क्या कहता है। तो अन्य जो मत है चार्वाक, वह कहता है कि अन्यस्तु चार्वाक, अन्य चार्वाक क्या कहता है, अन्योन्यत्र आत्मा मनोमयः, कि शरीर से भी भिन्न, इंद्रियों से भी भिन्न और प्राण से भी भिन्न, और इन शरीर इंद्रिय और प्राण की अपेक्षा भी अत्यंत समीपस्थ जो मन है वह मन ही आत्मा है, मनोमय आत्मा, वो मन ही आत्मा है। इस आशय की श्रुति को आधार बनाकर और वहाँ तर्क क्या देता है, तो कहा इत्यादि श्रुते है और मनसी सुप्ते प्राणादेह अभावाद, और फिर कहा कि जब मन है उस मन के सुप्त यानी मन के निष्क्रिय हो जाने पर, प्राण आदि का भी अभाव होने पर, ये उसने तर्क दिया।
कि जब मन है वह सुप्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तब शरीर में प्राण इत्यादि क्रियाओं का भी अभाव हो जाता है। तो और प्राण इत्यादि क्रियाओं का हमें जो वहाँ प्राण इत्यादि की क्रियाएं जो देखने में आती है वह वस्तुतः ब्रह्म है, यह इनका कहना है। तो इस प्रकार का तर्क हुआ। और क्या, तो कहा कि अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्च, ये अनुभव भी है कि मैं संकल्प वाला हूँ, मैं संकल्प और विकल्प से वेष्टित हूँ, यानी मैं संकल्प वाला हूँ, मैं विकल्प वाला हूँ। इस अनुभव के आधार पर वह क्या कहता है, मन आत्मा इति वदति, मन है वह आत्मा है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा का जो स्वरूप है उसके विषय में अत्यंत प्राकृत मनुष्य का जो चिंतन है उससे धीरे 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 हम और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। जो अत्यंत प्राकृत मनुष्य है वो तो पुत्र को आत्मा मानता है, अब उससे थोड़ा और नज़दीक आए तो नज़दीक उससे हमारा ये स्थूल शरीर है। तो चार्वाक ने, एक चार्वाक ने कहा हमारा स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे चार्वाक ने कहा नहीं, हमारा जो प्राण है वो इस स्थूल शरीर से भी और नज़दीक है तो प्राण आत्मा है। तो और क्या नाम, चार्वाक ने कहा नहीं प्राण नहीं इंद्रिय आत्मा है। तो किसी अन्य चार्वाक ने कहा कि इंद्रियों से भी नज़दीक प्राण से भी और अत्यधिक सन्निकटवर्ती कौन है, तो वह है मन, मन है वह आत्मा है। तो इस प्रकार से यहाँ आत्मा के ये कुल इस ग्रंथ में अभी तक 5 मतों का उल्लेख किया है। अब आत्मा के इस स्वरूप का विचार करते हुए ग्रंथ ने चार्वाक मत के अनंतर बौद्ध मत का यहाँ उल्लेख किया है। तो बौद्ध मत का उल्लेख करते हुए भी बौद्ध मतानुयायी क्या कहता है, तो कहा बौद्धस्तु अन्योन्यतरात्मा विज्ञानमय, कि शरीर से लेकर मन इंद्रिय प्राण इन 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 तक ये जो चार्वाक ने जो आत्मा कहा है इनसे भी भिन्न और इन सभी की अपेक्षा मनुष्य के और अधिक सन्निहित में रहने वाला जो विज्ञानमय, ये जो विज्ञान यानी बुद्धि है, ये बुद्धि ही आत्मा है, इस प्रकार की श्रुति का आधार लेकर। और तर्क वहाँ क्या देता है कि कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावाद, और ये बौद्धवादी ने ये जो बुद्धि को आत्मा कहा है तो उसमें बुद्धि है वह मनुष्य में प्रधान रहती है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, तो ये इस प्रकार की जो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इस प्रकार की जो एक सुभाषित उक्ति है उसको आधार या उसके जैसा ही आधार लेकर यहाँ शरीर में हमारे में सबसे ज़्यादा बुद्धि का ही महत्व होता है। तो इस आधार पर जो बुद्धि है और वो बुद्धि भी बौद्ध मतानुयायी क्षणिक मानते हैं, तो ये जो बुद्धि यानी क्षणिक विज्ञान है उस क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मानना उचित है, ये उन्होंने इस श्रुति के आधार पर पहले कहा। अब इसमें बुद्धि को आत्मा मानने के पक्ष में जो बौद्धवादी युक्ति देते हैं उस युक्ति का ग्रंथकार इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात्, ये तात्पर्य यह है कि कर्ता के अभाव में करण है वह शक्तिहीन हो जाते हैं, यानी अगर कर्ता अनुपस्थित हैं अथवा कर्ता अगर तटस्थ हैं तो करण है वह निष्क्रिय होते हैं। जैसे कोई एक बढ़ई है लकड़ी का काम करने वाला, अगर वह बढ़ई अगर अनुपस्थित हैं अथवा बढ़ई उपस्थित है किंतु वह निष्क्रिय है कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके पास में जो लकड़ी को काट कर अलग अलग प्रकार के जो फर्नीचर बनाने वाले जितने भी उपकरण हैं वो उपकरण कुठार वास इत्यादि उपकरण है वो कुछ नहीं कर पाते, वो सभी के सभी उपकरण शक्तिहीन रहते हैं। जैसे ही वह कर्ता उपकरणों को अपने हाथ में लेता है तो उन उपकरणों में शक्ति आ जाती है और उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो कर्ता के अभाव में करण है यह निष्क्रिय रहते हैं, तो यानी जो कर्ता है वह प्रधान होता है। ये जो मन है प्राण है इंद्रिय है ये सभी के सभी साधन हैं, ये सभी के सभी करण हैं, और कर्त्री कौन है, तो कहा कर्त्री है वो बुद्धि है, यह बौद्धवादी विज्ञान बौद्धवादी ने कहा। इसलिए जो बुद्धि है उसको आत्मा मानना अधिक संगत प्रतीत होता है, ऐसा उसका तर्क है। अब इसमें वो अनुभव भी देता है कि अनुभव भी प्रमाण है, हमारा अनुभव भी है कि बुद्धि आत्मा है। क्या अनुभव है, अहम कर्ता अहम भोक्ते इत्यादि अनुभवाच्च, कि मैं कर्ता हूँ मैं भोक्ता हूँ, इस प्रकार का हमारा
अनुभव भी हैं, यानी मैं करता हूँ, यानी आत्मा में बुद्धि के धर्मों का अनुभव भी होता है। कर्तृत्व यानी कुछ काम करना, भोक्तृत्व भोक्तृत्व यानी अपनी जो क्रिया है उस क्रिया का जो भी फल है, सुख या दुख का भोग करना, ये सभी का सभी बुद्धि का धर्म है। तो इस प्रकार के अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आत्मा में इन धर्मों की जो अनुभूति होती है, तो उन बुद्धि के धर्मों का आश्रय, इस प्रकार के धर्मों का आश्रय जो है वह आत्मा है, वह बुद्धि ही है। इस प्रकार से यह बौद्ध मत यहाँ ग्रंथकार ने बताया। तो इस प्रकार आत्मा के विषय में बौद्ध मत का उल्लेख करके अब यहाँ जो मीमांसा और न्याय मत है उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ कहा कि प्राभाकर तार्किको तु, प्रभाकर हैं वह मीमांसा दर्शन के एक स्वतंत्र प्रस्थान के प्रवर्तक आचार्य हैं, और प्रभाकर का जो मत है, प्रभाकर गुरु का जो मत है, प्रभाकर का जो मत है, उनके मत को सिद्धांत के रूप में ग्रहण करने वाले जो विद्वान हैं उनको प्राभाकर कहते हैं। और उन जो प्राभाकरों के अनुसार आत्मा है वह क्या है, तो कहा कि वह आत्मा अज्ञान रूप है, यानी ज्ञान से भिन्न है। और जो तार्किक हैं उनका भी यही कहना है कि जो आत्मा है वह अज्ञान रूप यानी ज्ञान से भिन्न द्रव्य रूप है, ये उनका मत है। उस मत को यहाँ ग्रंथकार ने उद्धृत किया है, उसमें श्रुति, उसमें तर्क और अनुभव को भी प्रमाण बताते हुए। तो कहा कि प्रभाकर तार्किको तु, प्रभाकर और तार्किक क्या वो कहते हैं, तो कहा अन्योन्यत्र आत्मानंदमयः, कहा कि जो प्रभाकर और तार्किकों के अनुसार आत्मा है वह इस बुद्धि से भी अन्य है, ज्ञान से भी भिन्न है। और वह क्या है, तो कहा वह आत्मा आनंदमय यानी वह ज्ञान से भिन्न द्रव्य रूप है, आनंदमय इत्यादि श्रुते इस श्रुति के आधार पर। और दूसरा वह उसमें तर्क यानी युक्ति को भी यहाँ प्रमाण के रूप में उपस्थापित करते हैं कि बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने लय दर्शनात्, कहा कि ये जो बुद्धि है इस बुद्धि इत्यादि का अज्ञान में लय होता है। तो बुद्धि का भी अज्ञान में लय होता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो उस समय हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल अज्ञान की अवस्था ही वहाँ रहती है। तो वहाँ सब कुछ अज्ञान में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति के आधार पर, और अब अनुभव भी वहाँ प्रमाण के रूप में बता रहे हैं कि अहम अज्ञानी, मैं अज्ञ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस प्रकार देखिए अहम पद से हम जो अज्ञान है उस अज्ञान को आश्रय बनाते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव के आधार पर भी जो प्रभाकर और प्राभाकर और तार्किक हैं वह यह कहते हैं कि जो ज्ञान से भिन्न आत्मा है वह अज्ञान है यानी द्रव्य रूप वह आत्मा है। इस प्रकार से प्राभाकर और तार्किकों का मत है वह ग्रंथकार मत को उल्लेख करते हैं। अब उसके बाद में मीमांसा में जो दूसरा संप्रदाय है वह है भाट्ट संप्रदाय। उस भाट्ट संप्रदाय का भी यहाँ उल्लेख करते हैं कि वह भाट्ट लोग क्या कहते हैं, तो कहा भाट्टस्तु, तो भाट्ट यानी भट्ट, कुमारिल भट्ट के मतानुयायी उनको हम कहेंगे भाट्ट। तो भाट्ट मत है वह क्या कहता है, तो वह यह कहता है कि प्रज्ञान घन एव आनंदमयः, वह यह कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह तो प्रज्ञान घन ही आनंदमय है इत्यादि श्रुते है इस श्रुति के आधार पर। और इस श्रुति के आधार पर वो और क्या कहते हैं, तो उनका यह कहना है कि ये जो अज्ञान है यह अज्ञान आत्मा नहीं है, अपितु तो आत्माएं वह जड़ रूप नहीं है, अपितु तो आत्मा है वह आनंद रूप है। किंतु किस प्रकार का, तो कहा कि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा द्रव्य आत्मा है वह जड़ नहीं है, अपितु तो आत्मा अज्ञान भी नहीं है, अपितु तो अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह आत्मा है, ऐसा कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो भाट्ट हैं वह मानते हैं। उसमें वो श्रुति जो प्रज्ञान घन एव आत्मा आनंदमय इस श्रुति को अनुभव बनाकर, इस श्रुति को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करके
तर्क उन्होंने दिया कि सुषुप्तो प्रकाशा प्रकाश सद्भावात्, सुषुप्ति जो अवस्था है उस सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश का अर्थ है ज्ञान और अप्रकाश का अर्थ है अज्ञान, इन दोनों का सद्भाव होता है, यानी इन दोनों का अस्तित्व उस अवस्था में होता है। तो ये हमारा तर्क भी हो गया है कि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान भी रहता है और अज्ञान भी रहता है, यह तर्क हुआ। इसलिए दोनों का सद्भाव सुषुप्ति अवस्था में रहता है। और फिर कहा कि माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच, और मैं अपने को नहीं जानता हूँ, इस प्रकार के अनुभव के आधार पर वह जो भाट्ट है वह यह कहता है कि अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह आत्मा है। तो यहाँ जो आत्मा के विषय में जो मत है वो धीरे धीरे और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते गए हैं कि पुत्र से लेकर स्थूल शरीर, फिर इंद्रिय, फिर प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अज्ञान, और अब अज्ञान से उपहित चैतन्य। और धीरे धीरे वह जैसे जैसे चिंतन की जो धारा है वह सूक्ष्म होती रहती है, उसी तरह से आत्मा का स्वरूप क्या है उस स्वरूप को हम जानने के और निकट पहुंच पा रहे हैं। इस प्रकार से ये दर्शन जो है उस दर्शनों का जो क्रम है, दर्शनों की एक जो श्रेणी है उसको भी हम देख सकते हैं कि कुछ है वो अत्यंत स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं, जो विद्यमान जगत में विद्यमान पदार्थ है उन पदार्थों के आधार पर ही तत्व का निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। कुछ और भी इनके आगे और सूक्ष्म जो पदार्थ हैं उनके विषय में चिंतन करते हुए आत्मा का विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने मीमांसा के मत को भी बताया। अब बौद्ध दर्शन में यहाँ जैसे हम ग्रंथ के आरंभ में पढ़े थे, हमारा ये जो स्वाध्याय की श्रृंखला के आरंभ में हमने पढ़ा था कि बौद्ध दर्शन के चार संप्रदाय हैं, श्रौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। तो उसमें जो बौद्ध दर्शन का जो दूसरा संप्रदाय है उस दूसरे संप्रदाय को यहाँ ग्रंथकार ने उद्धृत किया है, जो शून्यवादी हैं उनका मत। तो कहा कि अपरो बौद्ध, कि अन्य बौद्धवादी कहता है कि असदेवेदमग्रासीत, इस श्रुति के आधार पर कि इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ असत ही था, यानी शून्य ही था, कुछ नहीं था इत्यादि श्रुते है इस श्रुति के आधार पर। और सुषुप्तो सर्वाभावाद अहम्, और सुषुप्ति अवस्था में सभी का अभाव हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, केवल शून्य ही वहां रहता है इस तर्क के आधार पर। और अहम सुषुप्तो नासम, और सुषुप्ति अवस्था में मैं था ही नहीं, इति उत्थितस्य स्वभाव परामर्श विषयत्वा विषयानुभवाच, जो उत्थित पुरुष हैं सुबह जब उठा हुआ कोई पुरुष है उसको ऐसा अनुभव होता है कि अरे सुषुप्ति अवस्था में न किंचित अहम अवेदीशम, मैं सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं जाना, ऐसा लगा कि मैं भी वहां नहीं था, यानी मेरा भी वहां अभाव था, यानी मेरी भी वहां शून्य अवस्था थी। इस अनुभव के आधार पर वह जो अपर बौद्धवादी यानी वह जो शून्यवादी हैं वह क्या सिद्ध करता है, शून्यम आत्मा इति वदति, कि आत्मा है वह शून्य है। इस प्रकार से वह अपर जो बौद्ध हैं वह अपने मत को यहाँ उपस्थापित करता है। तो यहाँ वेदांत सारकार सदानंद यति ने यहाँ आत्मा के विषय में इस प्रकार से कुल 9 मत यहाँ उद्धृत किए हैं। उन 9 मत के द्वारा उनमें भी हम एक श्रेणी देख सकते हैं कि अत्यंत प्राकृत बुद्धि वाला मनुष्य है उसका आत्मा के विषय में क्या चिंतन है, और जो अंतिम जो 9वां मत बताया है शून्यवादी बौद्ध का उसका। तो धीरे 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 जो चिंतन की जो धारा है वह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ी है। धीरे धीरे हमारा जो चिंतन है आत्मा के विषय में वह पहले शरीर से बाहर, फिर शरीर में, फिर शरीर के और नज़दीक, फिर और शरीर के नज़दीक, इस प्रकार से आते 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 अत्यंत अभी तक जो शून्य है वह आत्मा है, वहाँ तक हम पहुँचे। पर ये जो शून्य है यह भी आत्मा नहीं है, वस्तुतः यह भी आत्मा नहीं है, न पुत्र आत्मा है, न स्थूल शरीर आत्मा है, न इंद्रिय आत्मा है, न प्राण आत्मा है, न विज्ञान आत्मा है, न अज्ञान आत्मा है, न अज्ञान से उपहित चैतन्य आत्मा है, न शून्य आत्मा है, आत्मा इनसे भी अतिरिक्त है, जो ग्रंथकार आगे यहाँ बताएंगे।
हमारा जो स्वाध्याय है उसका हम यहीं विराम करते हैं। विराम से पहले आज का हमारा ये जो पाठ है उसका हम एक बार सार देख लेते हैं कि इस पाठ में वेदांत सारकार के द्वारा आत्मा के स्वरूप के विषय में कुल विभिन्न दर्शनों के कुल 9 मत यहाँ बताए गए। अत्यंत प्राकृत मनुष्य है वह पुत्र को आत्मा मानता है, जो कोई चार्वाक है वह स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, कोई दूसरा चार्वाक है वह प्राण को इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई दूसरा चार्वाक है वह प्राण को आत्मा मानता है, कोई दूसरा और चार्वाक अन्य चार्वाक है वह मन को आत्मा मानता है, जो योगाचारवादी बौद्ध मतानुयायी हैं वह विज्ञान यानी बुद्धि को आत्मा मानते हैं, जो प्राभाकर और तार्किक हैं, जो प्रभाकर मिश्र के अनुयायी और तार्किक यानी नैयायिक इत्यादि लोग हैं वह ज्ञान को आत्मा मानते हैं, जो भाट हैं कुमारिल भट्ट मीमांसा मत के जो दूसरे एक प्रस्थान जो कुमारिल भट्ट के द्वारा प्रस्थापित है, तो कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो भाट हैं वह अज्ञान से उपहित चैतन्य को आत्मा मानते हैं, और जो माध्यमिक जो बौद्ध हैं वह शून्य को आत्मा मानते हैं। ये विभिन्न दर्शनों के अनुसार आत्मा के स्वरूप के विषय में मतभेद यहाँ ग्रंथकार ने प्रदर्शित किए, किंतु इन यहाँ तक जो आत्मा का स्वरूप बताया है वह वेदांत के अनुसार आत्मा नहीं है, आत्मा इन सब से अलग है। वह क्या है वह हम इस स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में हम जानेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।